गुड मॉर्निंग क्लास. दिस इज द टुडे वी विल स्टार्ट द सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. आप सब ये पहले कर ही चुके हैं. इट इज ऑल्सो रिविजन फॉर योर यूनिट टेस्ट, यू कैन से. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग. मीनिंग पावर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. जो पावर गवर्नमेंट के पास होती है कि गवर्नमेंट क्या करती है. जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है, और ये है भी. और स्टेट गवर्नमेंट से पावर क्या लोकल गवर्नमेंट के पास आ जाती है. तो ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि सारा कुछ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, स्टेट की अलग से गवर्नमेंट है, और लोकल लेवल पे जो ग्राम पंचायत हो गए या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए उनकी अलग से पावर है. सो पावर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट एंड सोल ऑफ डेमोक्रेसी. कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, ऑब्वियस है कि अगर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करेगी तो एक तरह से डिक्टेटरशिप हो जाएगी. लेकिन अगर एक गुड डेमोक्रेसी तभी होगी कि जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने पावर्स को क्या करे, आगे डिवाइड कर दे. ठीक है. अब क्यों होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जैसे सोशल ग्रुप्स हो गए, कम्युनिटीज़ होगी, अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो उसको सॉल्ट आउट करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है. टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़ विद इन अ कंट्री. एक ही कंट्री में, अब इंडिया भी क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है. डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं. अगर एक ही तरह की गवर्नमेंट होती तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी. अब इस चैप्टर में आप लोगों को पता ही होगा, दो कंट्री के बारे में बात हुई है. फर्स्ट इज़ बेल्जियम एंड सेकेंड इज़, डू रिमेंबर, सेकेंड इज़ श्रीलंका. तो ये दोनों कंट्रीज़ में जो है डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, कम्युनिटीज़ थी. एक पावर शेयरिंग के बेसिस पर बेल्जियम ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके उलट श्रीलंका ने सही से पावर शेयरिंग की ही नहीं. तो क्या हुआ, वहाँ पर सिविल वॉर हो गया. तो आज जो है हम सिर्फ बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन देखेंगे कि जातीय बनावट वहाँ पर कैसे थी. अब बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इट इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर देन हरियाणा. आप कह सकते हैं कि ये कंट्री हमारे स्टेट हरियाणा से भी स्मॉल है. ठीक है. और इसके बॉर्डर्स जो, इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटल ओवर 1 करोड़, अबाउट द हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी कितनी कम है अगर हम अपने हरियाणा से भी कंपेयर करें. लेकिन वहाँ पर जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. वो कैसे है, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. कैसे, यू कैन सी, दिस इज़ द बेल्जियम, दिस इज पाई चार्ट ऑफ बेल्जियम, एंड दिस इज ब्रुसेल, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. ये बेल्जियम की कैपिटल है. हम वहाँ का भी देखेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बेल्जियम में कैसे है. बेल्जियम में जो है 1% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो कौन है, जर्मन स्पीकिंग है, जो जर्मन स्पीक करते हैं. ठीक है. 59% वहाँ पर कौन सी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, डच स्पीकिंग. और जो वो कौन से एरिया में रह रहे हैं, फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं. डच स्पीकिंग 59% रैक आ रहे हैं, फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं. और ये 40% जो है फ्रेंच स्पीकिंग है, वलोनिया रीजन में रह रहे हैं. आप देख सकते हैं एक कंट्री जो हमारे हरियाणा से भी कम एरिया का है और पॉपुलेशन भी हमारे से लगभग आधी है. और वहाँ पर आप एथनिक कंपोजिशन देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के कितने हैं. अब आपको ये देख के क्या लग सकता है कि डच जो हैं फ्रेंच को और जर्मन को डोमिनेट कर सकते हैं. अगर ये इनको डोमिनेट करते हैं तो ये लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे. तो ऑब्वियस है ये कौन हो गए, माइनॉरिटी हो गए, और ये कौन हो गए, मेजोरिटी हो गए. तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो सकती थी आराम से. ठीक है. और दिस कंपोजिशन कंसीडर 3 मार्क्स क्वेश्चन
एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब आप ब्रसल की देखें, ब्रसल जो कि कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की कैपिटल है, वहां पर हम देखते हैं यहाँ पर 59% कौन है, डच स्पीकिंग है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हैं, 20% डच स्पीकिंग है और 80% जो है फ्रेंच स्पीकिंग है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि सिर्फ इस एरिया में कैपिटल में फ्रेंच जो है डोमिनेट कर सकते हैं डच के ऊपर, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या अराइज हो सकती है कि कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कल जो आपकी रेमेडियल क्लास है इसको लेके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क फॉर मी इन योर रेमेडियल क्लास, ओके, एंड एट माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, नॉट इन ग्रुप, ओके। दिस इज द एथनिक कॉम्पिटिशन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक, ओके स्टूडेंट्स।